स्टूडेंट मॉर्निंग चैप्टर 20 टुडेस टॉपिक पैराग्राफ लास्ट मतलब वीडियो में आई टोल्ड यू अबाउट द यूज ऑफ द प्रेजेंट इंटरप्रिटेटिव पैराग्राफ कि एक प्रेजेंट इंटरप्रिटेटिव प्रयोग पैराग्राफ किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से अपन प्रेजेंट इंटरप्रिटेटिव यूज करके एक अच्छा पैराग्राफ किस प्रकार से बना सकते हैं, वो सब चीजें मैंने आपको बताया। सबसे पहले आज मैं आपको पास्ट का यूज बताऊंगा कि पास्ट के यूज में प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का यूज किस प्रकार से करते हैं इन्हीं पैराग्राफ में पैराग्राफ में, तो वो सारी चीजें आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं वो विजिट जोन मतलब चिड़ियाघर की सैर। सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए वी मस्ट नो व्हाट द यूज ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट एंड द रूल्स ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट, क्या इसके रूल्स है, किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। तो इसमें क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट मतलब इंडेफिनिट मतलब मैंने आपको बताया अनिश्चित, जिसमें केवल पास्ट की और अगर मैं इसको इस तरीके से कहूं कि वह कल अपने गाँव नहीं गया था तभी अपने का हिट कितना होगा। Go to his bills. Yes, sir. पास्ट के जब में जब किस प्रकार से बन रहा है सबसे पहले मैंने बताया
प्लैनेट कौन सा है? तो अपन दे सकते हैं भाई हिंट्स, माय नेम इज आर्यन, आप इसे लिख सकते हो एनीबॉडी, कृष्णा, एंड बिलोंग टू लास्ट वन in my feelings. मैं अपने माता पिता के साथ अच्छे तरह से मिलने पिछले महीने दिल्ली गया था, पास है बिग सिटी, इज अ बिग सिटी, it is capital of India, ye bharat ki rajdhani hai, here are many historical buildings, various visit in my mental box. Who is it, Pierce? Pierce, well.
different kinds of animals. First of all, there's ये हो गया कुछ ये कंप्लीटली हुआ इसके सारे गेम्स बता दूँ ये अगले कुछ लिखा करेगा पास इंटरनेट जिसने जितना भी मैंने यूज किया है जो जो पास इंटरनेट का यूज किया पास इंटरनेट का यूज किस प्रकार से करते हैं पास इंटरनेट में प्रेजेंट इंटरनेट ये दो सेंटेंस सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं सिंगल पैराग्राफ या सिंगल लेटर में सबसे ज्यादा इन्हीं के यूज किया जाता है मतलब किस प्रकार से कंप्लीट मतलब हमें हमारे पास भी है वर्ड नॉलेज ऑफ द टेंस दैट वी कैन नॉट वी कैन नॉट रिपीट टू मेक ए सेंटेंस टू मेक ए पैराग्राफ टू मेक ए लेटर एंड वी कैन मेक इट इजीली इफ वी हैव वर्ड नॉलेज ऑफ द टेंस सो इट इज वेरी कंपल्सरी टू नो अबाउट इट एंड वी हैव टू नो अबाउट इट कि व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस एंड व्हाट काइंड ऑफ यूजेस इन पैराग्राफ एंड व्हाट काइंड ऑफ द रूल्स अबाउट इट सो वी हैव टू लर्न इट एंड वी हैव टू now about it very necessary. Okay, so please listen and try to understand what the meaning of the sentence. So listen. सबसे पहले मैं लिखा my name is Krishna, मेरा नाम कृष्णा है and belong to class 10. मैं 10 classes attend कर रहा हूँ. Last month इसके पहले I went to Delhi to meet my uncle and my parents. मैं अपने माता पिता के साथ पिछले महीने दिल्ली चाचा जी से मिले दिल्ली आया था Delhi is a big city. Delhi is a बहुत बड़ा शहर है. It is capital of India. आज की राजधानी. अब हमें हालांकि ये सब चीजें हमें नहीं करनी, लेकिन
जब शहर में जा रहे हैं और जो एक काफी फेमस सिटी है तो उसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं, और इससे क्या है, इससे क्या होगा, अपन को थोड़ी हेल्प मिलेगी टू इंक्रीज द वर्ड्स वर्ड्स को मतलब वर्ड बढ़ाने में हेल्प मिलती है, तो हम इसे वर्ड्स भी बढ़ा सकते हैं। और ये ऑकवर्ड नहीं लगेगा कि आप इस पर डिस्क्राइब करते होंगे, क्योंकि हम उस शहर में गए तो शहर की थोड़ी सी क्वालिटी को अपन लिख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो मेन क्वालिटी है, देयर आर मेनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन दिल्ली, दिल्ली में बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं। अच्छा खाते तो हम उनका डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट नहीं बट नो इन आई वांट टू रीड इट टू मैं चिड़िया घर की सैर करना चाहता था। वन डे इन दिस आई वेंट टू विजिट द विजिट विद माय अंकल। एक दिन मैं अपने चाचा जी के साथ चिड़िया घर की सैर करने गया। माय अंकल बॉट टू टिकट्स, मेरे चाचा जी ने दो टिकट खरीदे टू एंटर इट, इसमें प्रवेश करने के लिए। वी नो हम जानते हैं कि जो इज अ प्लेन चिड़िया घर एक ऐसा स्थान है व्यूअर्स जहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर क्या, जहाँ पर भिन्न भिन्न के जानवर और पक्षियों को रखा रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आई सॉ एनिमल्स, मैंने जानवरों को देखा, लाइक जैसे एलिफेंट लायन टाइगर डियर मंकी से नजर्स। आई सॉ अ लायन इन इट्स हेड देखा, वो वाज रोरिंग इन द केज जो पिंजरे में दहाड़ रहा था। ही पास्ड कंटीन्यूअस ही लुक्ड इन हेल्पलेस वे एज आई देखा था। आई सॉ अ बिग क्रोकोडाइल इन पॉन्ड, मैंने एक तालाब में बड़ा मानव मत्स्य देखा। इट लुक्ड वेरी हैवी, ये बहुत ही भारी दिखा था। तो ये हो गया कुछ अपना विजिट टू जू पर पैराग्राफ, थोड़े से और में उसको भी मैं अपना कंप्लीट करना, इसको रख करके और
ये तो हो गया उत्तर पैराग्राफ। आफ्टर दिस इसके बाद मैं सब वर्ड्स मैंने कुछ पक्षियों को देखा, मैंने सब पीकॉक मैंने वो देखा, वो वाज डांसिंग ब्यूटीफुली, जो बहुत सुंदर तरीके से नृत्य कर रहा था, इट लुक वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर दिख रहा था। आई टुक मच एंजॉय विद हर मूवमेंट, मैंने अपने चाचा जी के साथ बहुत आनंद उठाया। आई पास इन थ्री आवर्स इन इसके अंदर हमने तीन गेम प्ले किया। फिर दिस इसके बाद एक गेम पे कवर हॉप हम प्ले करना, दिस इज रियली वास्तव में इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चीज, ये बहुत ही रुचिकर स्थान। तो इस प्रकार से हमारा ये विजिट टू जुपिटर जो पैराग्राफ है कंप्लीट हो। और नेक्स्ट इसी से अपन और मतलब पास्ट में बना सकते हैं, तो उसके लिए जैसे अपन बनाना चाहें आप तो बना सकते हो, इस पर बना सकते हो पैराग्राफ को बताता हूँ। पैराग्राफ ऑन a scene of realism. इस पर बना सकते हैं कि सारा पास को बनेगा किस प्रकार से इसको बनाएंगे, देखो मैं और ये बता दूं फिर आपको ये कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अपने आप एक इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन के बाद लास्ट वीक जैसे मतलब लास्ट वीक माय इंटरेस्टेड इन सीन ऑफ द रियल एस्टेट। लास्ट वीक माय अंकल वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मेरे चाचा जी दिल्ली से आ रहे हैं, सो आई हैड टू रिसीव यू from the railway station, जो railway station से मुझे सीख करके जाना था, I had जाना पड़ा इस प्रकार से। और मैं इसके बारे में पहले कुछ नहीं जानता था कि platform की कुछ पर कुछ मतलब rules होते हैं उनके बारे में नहीं जानते थे कि इस प्रकार से इतना किया जाता है। फिर हमने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी, वो सारे पास बना सकते हो। आई सॉ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल्स, आई सॉ सम पीपल्स, मैंने कुछ लोगों को देखा ओवर वेटिंग फॉर देयर ट्रेन, जो अपनी ट्रेन में इंतजार कर रहे थे। आई सॉ सम हॉकर्स, मैंने कुछ हॉकर्स को देखा ओवर क्राइंग लाउडली या ओवर स्पीकिंग लाउडली टू सेल देयर थिंग्स, वे अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। आज तक की मैंने इसको सुनने के बाद समझा ये ट्रेन फ्रॉम द दिल्ली टू साइड स्टॉप एट द प्लेटफॉर्म नंबर 8 में रुकी, कि मैंने अपने चाचा जी को रिसीव किया और फिर हम लोग घर आए। देयर वाज अ बिग क्राउड एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में बहुत भीड़ थी। ऐसे में लोग सारे बहुत सारे मतलब सेंटेंस अपन पास्ट में बना सकते हैं, केवल पास्ट इनडेफिनेट में ही बनेगा। तो ये आप इसको पास्ट में इनडेफिनेट में इसका बना के आप घर से ए सीन ऑफ द रेलवे स्टेशन। और फिर जब इसके बारे में आप कुछ थोड़ा बहुत जैसा भी आया आपको पहले से जितना जैसा भी आ रहा है आपको आप लिखने का प्रयास करोगे, ट्राई टू राइट अबाउट दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ पर कुछ ना कुछ लिखना। इट डजंट मैटर यार, तुम ये मत सोचना कि व्हाट इज द रॉन्ग एंड व्हाट इज द राइट, क्या गलत और क्या सही है। फिर जब मैं लिखूंगा उसको उससे आप मिलान करोगे और फिर अपना पेपर सही हो जाएगा। तो ये तो हो गया अपना ए विजिट टू जुपिटर। तो हम इसको कर सकते हैं आसानी से आके, तो ये हो गया। तो हम ये कर सकते हैं आसानी से और इस पर आप लोग बना के आओगे इस सीन ऑफ द रेलवे स्टेशन पर, जैसे बना के आओगे विजिट टू जो मैंने आपको कंप्लीट कराएं। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।